सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चॉकलेट चेरी पुडिंग बनाने वाली हूँ। इसमें टू स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में चेरी टॉपिंग है एंड सेकंड में चॉकलेट गनाश है। सबसे पहले मैं चेरी टॉपिंग इसीलिए बना रही हूँ कि इसको कुछ देर के लिए फिर मुझे ठंडा करना है। तो ये ठंडा होगा वहां तक हम चॉकलेट गनाश बना देंगे। चेरी टॉपिंग के लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स है, मैंने 8 to 10 चेरीज लिया है। 1 टीस्पून शुगर है एंड 1 लेमन है। ये सारे को 1 पैन में हम मिक्स कर देते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट्स मैं सारे मिक्स कर रही हूँ। वन टीस्पून शुगर, ये स्लो गैस में करना है, और लेमन जेस्ट ग्रीन लेना है, अंदर का व्हाइट वाला नहीं आएगा। इसको मिक्स कर दें। इसमें 2 स्पून जितना पानी आएगा। हाफ टी स्पून जितना लेमन लिया हुआ है, अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रेड कलर आ गया है इसमें। ये कुछ चेरीज है, उसको ऐसे से तोड़ना। आप देख सकते हैं ये चेरी टॉपिंग जो मैंने बनाया है, ऐसे ही रखना है इसको। ज्यादा मैश भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दे और ठंडा होने दे। अभी मैं चॉकलेट गनाश बनाने वाली हूँ। इसमें जाएंगे इंग्रेडिएंट्स। चॉकलेट है 1.5 टीस्पून जितना मैंने फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, और 1/2 टीस्पून बटर है। ये मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली हुई है। जरूरी नहीं है कि यही लेना चाहिए, आपके पास कौन सी भी है वो चल जाएगा। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको मैं डबल बॉयलर पर ऐसे बाउल नीचे पानी रखकर ऊपर बाउल रखकर ऐसे मेल्ट करना है। क्रीम हाफ टी स्पून बटर। अगर माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो एवरी 10 सेकंड आपको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट 10 सेकंड के लिए उसे छोड़ दें आप, देन अगेन 5 सेकंड, अगेन 5 सेकंड, ऐसे करके आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसको शाइनिंग। आप देख सकते हो सिर्फ कुछ ही 5 to 10 सेकंड के लिए ही मैंने छोड़ा था इसे। ज्यादा नहीं करना वरना ये चॉकलेट जल जाएगा, इसीलिए सिर्फ 5 to 10 सेकंड के लिए ही ऐसे करना है। तुरंत उसे निकाल दो फिर, क्योंकि तब तक ये बाउल भी थोड़ा बहुत गर्म होता है, उसमें हो जाएगा। इसको ऐसे मिक्स करते जाए। ये स्वीट चॉकलेट है, जरूरी नहीं है कि आप स्वीट चॉकलेट ही लें। अगर आपके पास स्वीट चॉकलेट नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। चेरी टॉपिंग जो हमने फर्स्ट बनाई उसमें आप शुगर ऐड कर सकते हैं। अभी हम पुडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बिस्किट का क्रश कर दिया है। सम आलमंड्स है, उसको रोस्ट करके क्रस्ट किया हुआ है, जो कि चॉकलेट गनाश हमने बनाया वो है। और ये चेरी टॉपिंग है। सबसे पहले अब देखिए चॉकलेट डालेंगे हम। बिस्किट आलमंड
रोस्ट किया हुआ आलमंड, इस रोस्ट करना टाइम मैंने लिटल बिट पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था इसमें। अगेन चॉकलेट, गार्निशिंग के लिए कुछ चॉकलेट्स कट किया हुआ है। अगेन चेरीज, इसको मैं 2 to 3 hours के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। आफ्टर 3 hours इट्स रेडी, चॉकलेट चेरी पुडिंग।